हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिस्कवर वी फैक्ट्स में। आज हम आपको इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर के बारे में कुछ रोचक जानकारी और इस खूबसूरत शहर को घुमाएंगे। साथ में हम आपको लंदन के खान पान यानी वहाँ की सड़कों पर किस प्रकार का खाना मिलता है, लंदन फेमस स्ट्रीट फूड और लंदन के फल सब्जी मार्केट कैसे होते हैं यह भी दिखाएंगे। और इसके अलावा लंदन में कौन कौन सी फेमस जगह है घूमने के लिए उसके बारे में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लंदन की पार्लियामेंट यानी संसद को पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। इसके अंदर 1000 कमरे और 6 रेस्टोरेंट हैं। लंदन शहर में करीबन 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत देश से भी बहुत से लोग लंदन में बसे हैं, इसलिए वहाँ पर पंजाबी, गुजराती, बंगाली ये भाषाएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। लंदन शहर दुनिया के टॉप 10 शहरों में आता है जहाँ ट्रैफिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको लंदन घूमना है तो यहाँ की लाल रंग की डबल डेकर बस सबसे अच्छा और सस्ता साधन है। इससे आप लंदन शहर को आसानी से घूम सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर बस पास बनाना पड़ेगा, जिसको यहाँ पर ट्रैवल कार्ड और ऑयस्टर कार्ड भी कहा जाता है, जिसकी कीमत एक पूरे दिन की होती है 4.5 पाउंड और एक बार की होती है 1.5 पाउंड, जो इंडिया के होते हैं करीबन 450 रुपये और 150 रुपये के बराबर। लंदन एक काफ़ी महंगा शहर भी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, यहाँ के लोग अपने कमाई का कम से कम 60-70% खर्चा अपने रहने पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किराया बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ घर खरीदना बस एक सपना है और घर का किराया दिन प्रतिदिन आसमान छू रहा है। अब बात करते हैं लंदन के खान पान की। लंदन में दिल्ली और मुंबई से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आपको दुनिया के सभी कोनों का खाना मिल जाएगा। लंदन का स्ट्रीट फूड यानी रेडी पटरियों का खाना यहाँ के लोगों का और जो लंदन घूमने आए हैं उनका मनपसंद खाने का ठिकाना है, क्योंकि एक तो ये सस्ता होता है और दूसरा यहाँ पर दुनिया के हर कोने के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पर कभी बोर नहीं होंगे। लंदन के स्ट्रीट फूड इंडिया की रेडी ठेलों से दिखने में थोड़ा सा अलग होते हैं। ये दिखने में ट्रक, बस या फिर लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें जैसे होते हैं। यहाँ का फेमस फूड फ्राई फिश और चिप्स, बर्गर और सैंडविच, इसमें आपको यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा कोरियन एग ब्रेड से लेकर जैपनीज, चाइनीज और इंडियन फूड की भरमार है। यहाँ पर डोसा, सांबर, जलेबी भी बहुत प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है। पिछले 10 सालों में लंदन का स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा फल फूला है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर टूरिस्टों का बढ़ना है। हर साल करीबन 2.5 करोड़ लोग लंदन घूमने या काम करने आते हैं, और इतने महंगे शहर में खाना बनाना या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना बजट से बाहर है, इसलिए स्ट्रीट फूड एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आया है। अब दिखाते हैं आपको लंदन के फल सब्जियों के बाजार और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। वैसे तो लंदन में फल और सब्जियाँ सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर कीमत थोड़ा ज़्यादा होती है। इंडिया की तरह लंदन में भी साप्ताहिक यानी वीकली सब्जियों के बाजार लगते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते दामों में फल और सब्जियाँ आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ बाजार हफ्ते में 2 बार भी लगते हैं और कुछ बाजार रोजाना लगते हैं। लंदन में बहुत से फल सब्जियों के बाजार सीधे किसानों द्वारा भी लगाए जाते हैं, जहां पर आपको फल सब्जियां, मछली से लेकर अंडे, ब्रेड, चीज़ बटर आसानी से मिल जाते हैं। ये बाजार अधिकांश रूप से शनिवार और रविवार को लगते हैं, सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक। इन बाजारों में अक्सर भीड़ और रौनक काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सामान सस्ता और ताज़ा मिलता है। अब बात करते हैं लंदन में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगहों के बारे में। यहाँ पर बिग बैन टावर, टावर ब्रिज, लंदन आई, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर और बकिंघम पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।